बांदा ने बसपा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को दिया ज्ञापन। तमिलनाडु के बसपा प्रदेश अध्यक्ष की हत्या का मामला, अभी तक हत्याभियुक्त की नहीं हुई गिरफ्तारी। जल्द से जल्द हत्यारोपियों की गिरफ्तारी हो, हत्यारों के लिए राष्ट्रपति से फांसी की सजा की मांग की। बसपा कार्यकर्ताओं ने किया जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। आज पार्टी के तमिलनाडु प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही मिशनरी साथी के आर्मस्ट्रांग थे, उनको उनके आवास चेन्नई आवास के बाहर उनको धारदार हथियारों से अज्ञात अभियुक्तों ने हत्या कर दिया था मार मार करके। और उनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। उसको लेकर के 5 तारीख की घटना है ये। इसको लेकर के माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पीड़ित परिवार से मिलने गईं और मिल कर करके उन्होंने सांत्वना दिया परिवार को, और वहाँ की सरकार से और केंद्र सरकार से माननीय बहन जी ने अनुरोध भी किया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और इसकी CBI जांच भी हो। इसी को लेकर के बहुजन समाज पार्टी जिला यूनिट बांदा आज उन्हीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के हेतु महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को द्वारा जिलाधिकारी बांदा को ज्ञापन दिया गया है, जिससे अपराधियों को सजा मिले और फांसी की सजा मिले, जिससे भविष्य में कभी ऐसी जघन्य घटनाएं ना हों। सुन नाम आपका? गुलाब सिंह वर्मा, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जनपद बांदा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।